Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Tahir Kamal from Superior Group of Colleges. Students, today our topic is a poem from Intermediate Part 1. बेटा पोइम पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बोर्ड में इसकी पोजीशन क्या है, कि बोर्ड में इसकी समरी आएगी, इसका स्टैंजा आएगा, क्वेश्चन आंसर होंगे, वट एवर, किस तरह से ये हमें अटेम्प्ट करना होगा। तो सबसे पहले बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोर्ड का क्वेश्चन पेपर जो होता है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें बेटा 6 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से 4 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के 2 नंबर होते हैं, 8 नंबर के बेटा आपके क्वेश्चन आंसर है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बोर्ड के, उसके 3 पार्ट होते हैं, 5-5 नंबर के, ए बी सी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ए पार्ट जो है वो बेटा आपका स्टैंजा होता है, ठीक है। आपकी पॉइंट जो है उनमें से एक पॉइंट से एक स्टैंजा लिया जाता है, इसमें चॉइस नहीं होती, एक स्टैंजा होगा आपने उसे ही अटैम्प्ट करना होता है। तो 5 नंबर का स्टैंजे की बेटा पार्टीशन क्या होती है बोर्ड में, 5 नंबर जो होते हैं 2 नंबर बेटा रेफरेंस के होते हैं। सबसे पहले आपने रेफरेंस लिखना होता है, हेडिंग देनी है, तो लिखेंगे कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, दिस रिटन बाय दिस, या जिस पोइम से ली गई उस पोइम का नेम लिखेंगे, जिस पोइट ने लिखी उस पोइट का नाम लिखेंगे, एक नंबर पोइम के नाम का, एक नंबर पोइट के नाम का। तो रेफरेंस बेटा हमारा जो है ये 2 नंबर का होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप बेटा होता है कॉन्टेक्स्ट सेकंड पार्ट, ठीक है। इसमें समरी आपने थोड़ी सी लिखनी होती है कि इन दिस पोइम द पोइट एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स इन दिस वे, ठीक है, ही वांट्स टू कन्वे हिज पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस वे, यानी कि आपने फीलिंग्स का क्या इजहार कर रहा है, कैसी वो पोएम है। तो उसमें से आपने 7-8 सेंटेंसेस आपने लिखने हैं, एक नंबर बेटा कॉन्टेक्स्ट का होता है। थर्ड और लास्ट स्टेप होता है एक्सप्लेनेशन का होता है, ठीक है। आपने पोएम का जो स्टैंजा दिया गया है उसे अपने वर्ड्स में आपने एक्सप्लेन करना होता है। तो इस तरह से बेटा 5 नंबर का ये स्टैंजा होता है और 8 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं। 13 मार्क्स और बेटा 2-3 मार्क्स आपके, 2 मार्क्स जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव से आते हैं। तो बेटा तकरीबन कमोबेश ये 15 मार्क्स जो हैं ये वेटेज होती है बोर्ड के क्वेश्चन पेपर, उसमें ये पोर्शन का पोइम का जो आपका पोर्शन है। तो बेटा आज हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज की जो हमारा टॉपिक है, हमारी जो पोइम है वो बेटा लव एंड इंसेंस ऑफ ऑल रिलीजन, के तमाम मजहब का लाजमी जुज जो है वो मोहब्बत है। दुनिया का हर एक मजहब जो है वो मोहब्बत का दर्स देता है, ऐसा मजहब कोई नहीं है जो तशद्दुद ज़ुल्म व सितम का दर्स देता हो। तो जलालुद्दीन रूमी की बेटा ये लिखी हुई पोएम है। खुद तो आप इंग्लिश ये पोइट नहीं थे, आप एक अजीम स्कॉलर हैं, जलालुद्दीन रूमी 13 सेंचुरी से आप बिलोंग रखते थे, आपका ताल्लुक था 13 सेंचुरी से, और आपके बेटा लेक्चर जो थे, आपके स्टूडेंट्स जो थे वो आप नोट करते थे, तहरीर करते थे। तो आपकी बेसिक जो आपकी ज़्यादातर आपकी वर्किंग है वो बेटा आपकी जो है ये फारसी में है, पर्शियन, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में डॉक्टर निकोलसन जो है इन्होंने इसे ट्रांसलेट किया। तो आए अपनी बुक की तरफ और देखते हैं कि किन अल्फाज में आपने ये पोएम जो है ये लिखी है। तो बेटा वेरी फर्स्ट लाइन लिखी है, थ्रू लव थॉर्न्स बिकम रोजेस, मोहब्बत से कांटे जो होते हैं ये फूल बन जाते हैं, एंड थ्रू लव विनेगर बिकम्स स्वीट वाइन, और कहते हैं मोहब्बत से सिरका जो होता है तुर्श ये भी मीठी शराब बन जाता है, थ्रू लव द स्टैक बिकम्स अ थॉर्न, मोहब्बत से खारदार लकड़ी जो होती है ये तख्त बन जाती है। अब खारदार लकड़ी पे बैठना लेटना सोना मुश्किल है, दुश्वार है, और तख्त बड़ा आरामदेह एक सीट होती है, वहाँ पे बैठना बड़ा ईजी है। तो कहता है खारदार तख्त लकड़ी भी थॉर्न बन जाती है अगर मोहब्बत हो तो। थ्रू लव मिस फॉर्चून बिकम्स गुड फॉर्चून, कहता बुरी किस्मत अच्छी किस्मत में बदल जाती है मोहब्बत से। थ्रू लव बर्निंग फायर बिकम्स प्लीजिंग लाइट, और कहता जलती हुई आग भी जो है वो खुशवार रोशनी बन जाती है, जैसे आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो वाक्य जो पढ़ा हुआ है, तो वो आग भी जो है वो गुलजार बन जाती है।